जब हुजूर से नाराज होती थी तो क्या कहती थी, कैसे पुकारती थी उनको? सही हदीस के अल्फाज मुझे याद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। ये कहने की बजाय कि मोहम्मद के रब की कसम कहते इब्राहिम के रब की कसम, यानी फिर तुम मेरा नाम लेने की बजाय हजरत इब्राहिम का नाम ले। तो यह है कि नाम लेने में ठीक है, जब से नाम इस तरह पुकारा जाने लगा कि जिसमें कोई इज्जत आबरू, यानी कि नाम मसलन अगर शोहर का नाम जैद है तो उसको जैद इस तरह कह के बुलाया जाए जैसे बेटे का नाम जैद हो तो उसको बुलाया जा रहा है उसी ही टोन में, उसी ही अंदाज में, उसी ही स्टाइल में। तो ये सिर्फ नाम पुकारना ही नहीं है, ये एक रवैये का इजहार कर रहा है, एक रुझान की बात और एक ताल्लुक और एक अंदाज की बात है जो एक बुलाने के अंदाज से लेकर फिर बाकी सब मामलात में साथ चलती। तो इसीलिए हमारी नानियां और दादियां जब कहती थी मुन्ने के अब्बा और मुन्नी के अब्बा और उसके, तो अगरचे हमें बहुत ऑकवर्ड लगता है वो सब कुछ, फिर एक जनरेशन तो मुन्ने के अब्बा कहती थी, अगली कहती साहब का साथ नाम लगाती थी शौहर के नाम के साथ साहब, अब अगली जनरेशन ने साहब भी उड़ा दिया और मालूम नहीं आइंदा क्या होने वाला है, हो सकता है निक नेम से पुकारा जाने लगे और शायद पुकारा भी जाता हो। ठीक है, अगर आपस में फ्रेंकनेस है तो कोई हर्ज नहीं नाम लेने में। आपको पता है कि हजरत आयशा जब हुजूर से नाराज होती थी तो क्या कहती थी, कैसे पुकारती थी उनको? सही हदीस के अल्फाज मुझे याद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। ये कहने की बजाय कि मोहम्मद के रब की कसम कहते इब्राहिम के रब की कसम, यानी फिर तुम मेरा नाम लेने की बजाय हजरत इब्राहिम का नाम ले। तो यह है कि नाम लेने में हरज नहीं, कोई हरज नहीं अगर नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन तू और तुम ना कहें। आम लोगों के साथ भी बात करते हुए हमारे अंदर डिसेंसी खत्म होती जा रही है। आप देखें कि अगर आप अपने किसी दोस्त को भी तू कहें तो कहते हैं बहुत फ्रेंकनेस की अलामत है, लेकिन मुझे तो कभी ऐसी फ्रेंकनेस अच्छी नहीं लगी कि जिसमें इंसान बदतमीजी पे उतर आए और तू और तुम कहने लगे। जो इज्जत आप में है और हमारे कल्चर का भी एक थोड़ा सा हिस्सा है कि उसमें लफ्ज अंग्रेजी में तो यू ही है, एक ही बेचारा, लेकिन उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह रिच है उर्दू इस सेंस में, तू भी है, तुम भी है, आप भी है। तो एक अच्छे लफ्ज का इंतखाब कर ले और जब अल्लाह ने एक दर्जा ज्यादा दे दिया तो इज्जत का लफ्ज बोलने में नुकसान कुछ भी नहीं होगा, जवाब में आप भी इज्जत पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी को तुम कह के बुलाएंगे तो फिर दूसरे को भी तुम का मौका दे रहे हैं। पंजाबी में भी है एक लफ्ज, एक तू है और एक तुसी है। तो उसमें यह है कि यह चीज बजाहिर यूं लग रहा है या हो सकता है आपको बहुत नागवार लग रही हो और आप सोच रहे हो कि हमें बैकवर्ड